कितने लोगों के पास ये शीट नहीं है? अच्छा शीट ही नहीं है, बोल वो है ही नहीं यार, चला गया वो, 2 मिनट दो। चलो ठीक, चेक करो इलेक्ट्रिक प्रेशर के अंदर। आप इमेजिन करो कि मैंने आपको ना एक क्वेश्चन दिया था फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, कि अगर एक सोप बबल है, सोप बबल के सरफेस के ऊपर अगर एक चार्ज है प्लस 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 प्लस, तो फिर सोप बबल का क्या होगा? आंसर था कि सोप बबल क्या होगा, एक्सपैंड होगा। क्यों एक्सपैंड होगा? क्योंकि इधर का प्लस और डायगनली ऑपोजिट जो भी प्लस है वो आपस में रिपेल करेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगा। इसका मतलब एक चार्ज उसके सामने पड़ी हुई चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये एक कंडक्टर है, मेटल सरफेस है, स्टार लगा लो, दिस इज अ मेटल सरफेस और अ कंडक्टर, बड़ा बड़ा लिख लेना, हर जगह नहीं चलेगा, मेटल सरफेस या कंडक्टर के अंदर ही रिजल्ट चलेगा, ठीक, जो हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये एनसीईआरटी में है? ये एनसीईआरटी में बिल्कुल है, ये आपकी नीली किताब के अंदर, ब्लू कलर की किताब के अंदर से बिल्कुल एज इट इज टॉपिक मिलेगा, जिसके अंदर से एडवांस वालों ने, मेंस वालों ने और नीट वालों ने एक क्वेश्चन निकाला हुआ है, हर के अंदर आपको मिलेगा। वो क्वेश्चन मैंने एंड में डाल दिया हुआ है, बट वो क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, नहीं तो नहीं होता। तो करें स्टार्ट, बनाने वाले भी पूरे खूब एक्सपर्ट हैं, पूरा टॉपिक छान के उसके बाद फिर क्वेश्चन सोचते हैं क्या बनेगा। तो एनसीईआरटी जरूरी है, हमेशा जरूरी है जैसे मैंने बताया। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें, ये आपके सामने एक कंडक्टर या एक शेल है या कोई भी एक, सॉरी कंडक्टर है। क्वेश्चन ये है, आपको इसके अंदर ना कई आंसर्स मिलेंगे इस टॉपिक में, ये एक टॉपिक नहीं है प्रेशर का, इसमें कई चीजें आपसे पूछी जाती हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जो एनसीईआरटी में प्रूफ आएगा,
कि प्रूव करो कि अगर आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है और जिसके ऊपर चार्ज है, कंडक्टर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से, ठीक। क्वेश्चन है कि इसकी सरफेस के पास कोई भी एक पॉइंट लो और बताओ ये कंडक्टर अपने इस पॉइंट पे ई नेट ई कितना लगा रहा है। ये क्वेश्चन है, क्योंकि चार्ज है ना, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। यहां ई क्या होगा, यहां ई क्या होगा, यहां ई क्या होगा, यहां यहां क्या ई होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया, चार्ज बॉडी अपने आसपास ई कितना लगा रही है, या प्रूव करने को आ जाएगा। एक कंडक्टर के आसपास प्रूव करो, नेट ई की वैल्यू इज ऑलवेज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये प्रूव करो। तो अगर ये प्रूफ करने को आता है, पहले एनसीईआरटी का एक पॉइंट क्लियर कर दूं, प्रूफ बता देता हूं, फिर आगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं आगे क्या चलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आएगा तो आपने ये एक सरफेस लेनी है। तो जैसे सपोज करो आपने ये कोई भी इसका एक स्मॉल पोर्शन ले लिया, ये पोर्शन ले लिया, लेट अस सपोज इसका एरिया कितना है ए, एरिया कितना है इसका ए, ठीक। आप इसके आसपास एक गॉशियन सरफेस लें, इसको क्लोज बॉडी में बंद कर दें इस पोर्शन को। जैसे मैंने एक गॉशियन सरफेस ली यहां पे सिलेंडर, आप कहोगे सिलेंडर क्यों, स्फीयर ले लो, स्फीयर ले लेना, आपकी मर्जी, जो आसान फिगर है वो ली जिससे कि आंसर एक मिनट में आ जाए, और वो सिलेंडर सबसे सही आंसर देगा, बताता हूं क्यों। और मेरा क्वेश्चन है यहां पर ई निकालना है, तो जहां मुझे ई निकालना था मैंने सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वहां पे रख दिया, ठीक। तो ये प्लस है, ये प्लस वन होगा, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो ई वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, बाहर की तरफ होगी, वैसे भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर जाएंगी, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक। तो जो ई है उसकी जो वैल्यू है, ई की जो वैल्यू है वो बाहर की तरफ ऐसे जाएगी, ठीक। कोई बताएगा कि यहां पे ई क्या होगा, क्यों, कंडक्टर के अंदर ई एग्जिस्ट नहीं करता, सॉलिड कंडक्टर है इसके अंदर ई नहीं होगा, कोई डाउट इसमें। तो अगर अंदर इसके ई नहीं होगा तो अंदर वाली सारी सर्फेसेस का फ्लक्स पक्की बात है क्या आएगा, जीरो, ठीक। और बाहर अगर आप ये वाला पोर्शन लेते हो, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, परपेंडिकुलर टू दी सर्फेस, ये देख रहे हो इधर, और ई वेक्टर तो ऑब्वियसली बाहर की तरफ ही जा रहा है अभी भी, तो एंगल बिटवीन देम इज कितना 90, तो ई डी एस कॉस 90 क्या आएगा, जीरो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फ्लक्स भी एग्जैक्टली जीरो। जितने क्वेश्चन हमने सिलेंडर के किए उसमें ज्यादातर केस में कर्व्ड सरफेस पे फ्लक्स हमेशा जीरो। तो पूरे सिलेंडर के फ्लक्स में इसका फ्लक्स जीरो, कर्व्ड का जीरो, बचा क्या, सिर्फ ये पोर्शन बच रहा है। इसका एरिया कहां होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इस केस में इस पूरे सिलेंडर का जब मैं बोलूंगा फ्लक्स निकाल लो तो क्या बोलोगे, ई ए कॉस जीरो, बस यही फ्लक्स होगा। और इसमें ई का मतलब है, ई का मतलब किसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से नहीं, चार्ज जरूर लिया गॉसियन सरफेस, जब हम गॉस थ्योरम लगाते हैं, और जिसके जब हमने एक शॉर्टकट नोट भी किया था, जब हम गॉस थ्योरम लगा रहे होंगे इस टाइप से, तो जो ई यूज करते हैं वो ड्यू टू ऑल चार्जेस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो अकेले एक पोर्शन का नहीं होता, वो आसपास के जितने भी चार्जेस हैं सब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पर ये जो ई आएगा एक्चुअल में ये ई नेट ई आएगा। तो जो भी इस पूरे सॉलिड कंडक्टर का नेट ई होगा इनटू एरिया, वो अलग बात है कि गॉस ने शॉर्टकट मारा था कि ऐसा करने की बजाय सिंपल क्या बोलेंगे, चार्ज इनसाइड। अब इसके अंदर चार्ज क्या होगा, मान लो इसकी सिग्मा की वैल्यू गिवन है, सिग्मा सरफेस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा इनटू ए एरिया हमने लिया जो हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट किया और क्यू की जगह वैल्यू पुट करती सिग्मा इनटू एरिया, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो यहां से एरिया क्या हो गया, कैंसिल, और नेट ई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एनसीईआरटी का प्रूफ है जो आपको करके आना है। क्या स्टेप क्लियर है देवदीप, ठीक। इसके अलावा कि कोई और गॉसियन सरफेस क्यों नहीं ले लो,
खुद ही फंस जाओगे, कोई और टेढ़ी मेढ़ी लोगे तो ई डॉट डी एस वहां आना शुरू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया का, तो फिर वेक्टर से एक और स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा कि फ्लक्स जो है इसका आपको जीरो प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, तो मतलब हो तो जाएगा, पर सिलेंडर सबसे आसान बॉडी इसलिए है क्योंकि नीचे की बॉडी का फ्लक्स वैसे ही जीरो हो गया, कर्व सरफेस एरिया का वैसे ही जीरो हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ एक फ्लैट सरफेस बची, दैट सेट। तो सबसे आसान बॉडीज को लिया जा रहा है इसमें, नहीं ये टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, उसका उसका बताऊंगा उसका क्या करना है। मैं समझा नहीं कैसे, ये वाला देखो कहीं भी आप अगर ये गॉसियन सरफेस बनाएंगे ई तो सेम ही आएगा, है ना, फॉर अ गिवन एरिया अगर आप लेंगे ए, ई सेम आएगा, गॉसियन सरफेस मेटल सरफेस के, हाँ मैंने परपेंडिकुलर बनाई है, अंदर तो आएगा ही नहीं, ये तो मेरी मर्जी, मैं बना रहा हूं तो मैं साथ में जस्टिफाई भी तो कर रहा हूं ना, लेने का फायदा नहीं होगा क्योंकि ई तो अंदर होगा ही नहीं ना, तो बेसिकली मेरे को बनाना ही नहीं चाहिए बेसिकली, ये मेरे को जरूरत क्या है, बस मैं यहीं तक बना देता हूं ना, मेरे को जरूरत क्या पड़ी है, वो आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट अंदर तक बनाता भी है गॉसियन सरफेस तो उसके अंदर का चार्ज ले रहा है ना वो क्यों। अच्छा ओके 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 ओके, मैं आपका पॉइंट समझ गया, वो ये कह रहा है कि आपने गॉसियन सरफेस को इसके अंदर क्यों एक्सटेंड किया जब आपको पहले से ही पता था कि उसके अंदर कोई चार्ज था ही नहीं, राइट ओके। मैं अपनी गॉसियन सरफेस को छोटा कर लेता हूं, ये लो बस ये लास्ट वैल्यू है, डन, नहीं लेता अंदर, अब यार इस चार्ज को तो लूंगा ना बीच में, फिर गॉस थ्योरम हवा में सेंटर बनाऊंगा तो बीच में क्या निकल के आएगा, कुछ भी नहीं, तो अगर मैं नीचे ले भी लेता हूं थोड़ा सा तो भी कोई फर्क नहीं, पर आपकी बात भी सही है, सरफेस से स्टार्ट हो रहा तो सरफेस से स्टार्ट करो, तो मैं सरफेस से स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, शीट की तरह शीट के लेफ्ट और राइट लिया, इसके ऊपर नीचे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई फर्क नहीं। ओपन बॉडी क्यों नहीं है, ये सिलेंडर इज अ क्लोज बॉडी ना, मेरी गॉसियन सरफेस खुद एज्यूम की मैंने क्लोज्ड, इसके ऊपर नहीं लग रहा, सिलेंडर के ऊपर गॉस थ्योरम लग रही है और सिलेंडर इज अ क्लोज बॉडी, उस पे तो मैं लगाऊंगा। अब ठीक है यहां तक दिवाश क्लियर है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है कि गॉस थ्योरम क्यों लगा रहा हूं, ओके मैं आप ये कहना चाहते हो क्योंकि जो जिस बॉडी का ई निकालना है वो बॉडी क्लोज नहीं है ये बोल रहे हो, नहीं ठीक है, अच्छा बोलो, हाँ तो क्यों लगा रहा हूं, सेम क्वेश्चन है ओके, फिर इस चीज का आंसर, इस चीज का आंसर दो, ये एक लाइन चार्ज है, ये तो ओपन थी ना, ये कौन सा बंद थी, हवा में खुला ही चार्ज तो था, वो तो मैंने इमेजिन किया इसके आसपास से गॉसियन सरफेस, वो मेरी कन्वीनियंस के इमेजिन करूंगा ना जहां मुझे ई निकालना है, तो ये तो कोई रूल नहीं है कि इनफाइनाइट पे गॉसियन लगेगी उस पे नहीं लगेगी, जिस जहां ई निकालना है वहां मैंने गॉसियन सरफेस रख दी ना, तो वहां रखी, ये इमेजिन कर लो शीट का एक्सप्रेशन चल रहा है, ये छोटी सी शीट है, शीट के लेफ्ट और राइट मैंने गॉसियन ले ली, बोलो सेम ही तो केस कर रहा हूं मैं शीट वाला, इनफाइनाइट शीट तो यही थी, शीट के आसपास ले लिया मैंने गॉसियन, हाँ नहीं लगा रहा, हाँ यहां लगा रहा हूं, जब मैंने पहले बनाई थी तो आपने कहा नीचे क्यों बनाई अंदर क्यों बनाई, हाँ बोलो फिर कैसे होगा क्या होगा, यहां पे नीचे जीरो होगा क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर के इनसाइड ई इज ऑलवेज जीरो, उसकी प्रॉपर्टी कुछ और यूज कर रहा हूं मैं, ओके 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 ओके, एक क्लोज बॉडी है ऐसे सही ओके okay, एक और एक्सप्लेनेशन है इट्स ओके, क्लोज बॉडी है, शेल याद है, एक कंडक्टिंग शेल, शेल के अंदर ई क्या होता है जीरो, इसके अंदर भी जीरो, मैं इसका एक शेल का पार्ट ले रहा हूं, ठीक है एक शेल का पार्ट ले रहा हूं, अगर मैं एक प्लेट इन द सेंस, हाँ उसका ई लगाएगा, वो रिंग की हेल्प से आएगा, रिंग्स का कंट्रीब्यूशन होगा उसमें, हर को देखो हर का ई निकालने का तरीका ना सेम नहीं होता,
अगर सेम होता ना, ये सिलेंडर बना बना के ई निकालना होता ना देवांश, तो जितने चैप्टर किए ना अभी तक वो बेकार हो जाते, हर जगह सिलेंडर बना के आंसर आ जाता। असल बात यह है कि हर की ई निकालने की टेक्निक डिफरेंट है। सर्कुलर सिमिट्रिकल प्लेट को रिंग्स की तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्लोज बॉडी कंडक्टर का ये आसान तरीका है, सबसे ईजिएस्ट मेथड होगा उससे कर रहे हैं। तो अगर आप ये सॉलिड कंडक्टर लेते हो तो भी अंदर ई जीरो है, और अगर आप ये ओपन लेते हो तो भी अंदर ई जीरो ही रहेगा, क्योंकि किसी भी क्लोज बॉडी के सरफेस के ऊपर अगर चार्ज है उसके अंदर ई की वैल्यू जीरो ही रहेगी। ठीक, बता रहा हूं। देखो अब ध्यान से सुनो एक मिनट के लिए दिवांश, बस बस मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, बहुत सारी चीजें आगे से भी निकलने वाली हैं। सबसे पहली चीज ये कि कंफ्यूजन ये हो रही है कि प्लेट में और इसमें क्या फर्क है, स्फेयर और इसमें क्या फर्क है। अगर है तो एक बड़ा मेजर फर्क है। स्फेयर अगर आप एक शेल लेते हो, शेल के अंदर चार्ज नहीं होता, इसके अंदर भी चार्ज नहीं है, पहला डिफरेंस तो है ही नहीं, तो सिमिलैरिटी है। दूसरा, उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सरफेस एरिया पे, क्योंकि स्फेयर या शेल एक यूनिफॉर्म बॉडी और सरफेस एरिया बराबर, हर तरफ बराबर है, इसमें नहीं है। ये मैंने ड्रॉ किया यूनिफॉर्म, मेरी मर्जी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट लाइन तो मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैंने पोटेंशियल वर्ड नहीं करवाया, तो फर्स्ट लाइन को छोड़ दो। स्मॉलर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर जिसका रेडियस छोटा होगा, क्योंकि कर्वेचर चेंज हो रहा है बड़ा और छोटा ऐसे, तो स्मॉलर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉलर इज द एरिया एंड हायर इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया इतना कर्व होता जा रहा है, अगर मान लो रेंडम कुछ भी आर्बिटरी चेंज होता जा रहा है और एरिया अगर कम या ज्यादा होता जा रहा है तो उसकी सिग्मा की वैल्यू चेंज होगी, जबकि स्फेयर के अंदर इट इज ऑलवेज सेम। क्यों? क्योंकि स्फेयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, टेढ़ा मेढ़ा तो है नहीं, तो सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली सेम है, सबका कर्व सेम तरीके से आएगा। तो कई बुक्स लिखती हैं सिग्मा इज लोकल टू द सरफेस। अब ये लोकल क्या होता है? लोकल का मतलब है कि हर एरिया का डिफर करेगा, कहीं पर डेंसिटी ज्यादा हो सकती है, कहीं पर डेंसिटी कम हो सकती है। ठीक, लोकल टू ए सरफेस। तो जबकि हम कंडक्टर के अंदर नॉर्मली लेते हैं कि सिग्मा की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही रखते हैं, पर रियलिटी ये है कि इट इज लोकल टू द सरफेस। अगर एरिया कम या ज्यादा करते हो, सिग्मा की वैल्यू कम या ज्यादा होगी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने इस कंडक्टर के बिल्कुल नजदीक मुझे ई की वैल्यू निकालने को कहा, और मैंने ई की वैल्यू यहां पर एक गॉसियन सरफेस लेके प्रूव किया कि ई की वैल्यू आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले आप अपनी असाइनमेंट में इसको बॉक्स में डालो और इसको प्लीज फॉर्मूला लिख लो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। ये फॉर्मूला है और इसके नीचे लिखो प्रूफ, यहां लिखो प्रूफ, ये इसका प्रूफ है। वैसा लग रहा है कि सारी लाइन इकट्ठी चलती है सीक्वेंस में। तो ये फॉर्मूला है कि इसकी सरफेस के पास नेट ई की वैल्यू इसके इक्वल है, एंड ये इसका प्रूफ है जिसमें ई इंटू ए लिया सिलेंडर का फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आपके पास एरिया से एरिया कैंसिल, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। फिर आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन था कि अगर ये शेल ले लें, एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए मैं शेल लेता हूं, तो अगर मैं एक शेल कंसिडर करता हूं कुछ इस तरीके से जैसे मैंने क्लास में किया था, ये रहा शेल के, क्योंकि ये कंडक्टिंग शेल है। अगर आपको याद हो कंडक्टिंग शेल के सरफेस के पास फॉर्मूला एग्जैक्टली हम एक बार पहले भी प्रूव कर चुके हैं, आंसर क्या था एग्जैक्टली
सेम, चेक कर लो, आपने फॉर्मूलाज का टेस्ट भी दिया है। एक शेल की सरफेस के पास ई कांस्टेंट होता है, इसके इक्वल होता है, नहीं तो करके देख लो। सिग्मा को पुट करो क्यू बाय 4 पाई आर का बाय एप्सिलॉन नॉट, आंसर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सेम आंसर आ गया। तो चाहे वो कंडक्टिंग शेल है, चाहे वो ये कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर है, आंसर विल रिमेन सेम। फर्क ये है कि सिग्मा की वैल्यू टेढ़ी मेढ़ी सरफेस में चेंज हो सकती है, इट इज लोकल, और स्फीयर के केस में सिग्मा इज यूनिफॉर्म, तो कहीं भी लोगे इट विल रिमेन सेम। सिग्मा का मतलब है इसमें कि जैसे कितना चार्ज है कितने एरिया पे है, ठीक, मतलब इतने, अगर मैंने ये पोर्शन लिया इस पे इतना चार्ज है इतने एरिया पे है, दैट्स इट, ये सिग्मा है। वो अलग बात है कि हम भी वेरिएशन ले नहीं रहे टॉपिक में, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि सिग्मा कैन चेंज, हम तो इसमें सिग्मा लेके कर रहे हैं, वो अलग बात है, इतनी वेरिएशन हम ले नहीं रहे एक्सप्रेशन में, ठीक, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। कल को वो सिग्मा ए सिग्मा बी यूज कर दे किसी फिगर में, कम से कम पता होगी वो चेंज क्यों कर रहा है, स्फीयर में चेंज नहीं करेगा। बोलो से इमेजिन करो, किसी पोर्शन पे चार्ज ज्यादा है, किसी पोर्शन पे चार्ज कम है, और वो मैंने नहीं किया, ये नॉन कंडक्टिंग नहीं है कि मैंने जहां रखा वैसे ही हो गया, ऑटोमेटिकली कंडक्टर है, क्योंकि कंडक्टर आर्बिट्री शेप का है, तो चार्ज यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म का मतलब है कहीं पर डेंसिटी ज्यादा भी हो सकती है, कहीं पर डेंसिटी कम भी हो सकती है। बट मैं फिर कह रहा हूं, ये तो रियलिटी है, मैं अपना एक्सप्रेशन सिग्मा ए के साथ ही करूंगा, ओनली सिग्मा, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं, मैं अपना एक्सप्रेशन में सिग्मा या सिग्मा भी कुछ नहीं यूज करूंगा, मैं हर के लिए सिग्मा की वैल्यू को क्या रखूंगा, ऑलमोस्ट सेम रखूंगा। मतलब आपको मैंने फैक्ट्स बता दिए, ऐसा रियलिटी में होता है, पर मेरा एक्सप्रेशन निकालने के लिए मैं इतने सिग्मा यूज नहीं कर सकता, तो मुझे एक्सप्रेशन भी निकालना है, तो मैंने अपना सिग्मा एक ही रखना है। बोलो होने के कारण उसका सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया, इक्विपोटेंशियल का मतलब वी, वी का मतलब क्यू बाय आर, क्यू बाय आर की रेशियो सेम है, क्यू बाय आर स्क्वायर की रेशियो थोड़ा सेम है, फर्क है ना, जो ई है वो क्यू बाय आर स्क्वायर का रेशियो फॉलो करेगा, सिग्मा सॉरी, और इक्विपोटेंशियल क्यू बाय आर है, ठीक। तो 2 मिनट के लिए इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे चलने दो, मैं एंड में इसका एनालिसिस एंड में करते हैं, नहीं तो टॉपिक रुक जाएगा और मेन ट्रैक से खो के हम कहीं और चले जाएंगे। मुझे 2 मिनट कंप्लीट करने दो, उसके बाद फिर डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैंने आपको ये ई की वैल्यू निकाल के दिखाई सरफेस के आसपास, इसकी ई की वैल्यू इसके इक्वल होगी, ये सॉलिड बॉडी है, 3D है, 2D तो है ही नहीं, कोई लाइन तो नहीं है, कोई बॉडी है, इट इज कंडक्टर,
कंडक्टर की सरफेस के बाद निकाला मैंने। असली चीज ये नहीं है, ये तो चलो ई का एक्सप्रेशन मैं शेल से भी निकाल सकता था और मैंने शेल से निकाला भी है, वो तो बात खत्म है, ये तो मुझे पता ही था कि इसके इक्वल होने वाला है आसपास। लेकिन असली एक्सप्रेशन है कि प्रेशर कैसे निकलेगा और प्रेशर क्यों होगा। प्रेशर इसलिए होगा कि ये वाला सरफेस, अगर मैं कोई पोर्शन लूं इसका, कैसे, अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन लूं इस बॉडी का, जो बचा हुआ सरफेस है पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को के ऊपर ई लगाएगा। ठीक, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक चार्ज बॉडी है, यहां पर जो आपको चार्ज दिख रहा है, चाहे ये शेल है या कोई भी बॉडी है, कोई फर्क नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लें, आपने पोर्शन ले लिया जिसके ऊपर डी क्यू चार्ज है, इस पोर्शन पे डी क्यू चार्ज है, ठीक, बाकी जो चार्ज है इस डी क्यू को छोड़ के इस पोर्शन पे ई लगाएगा। ठीक, ई कैसे लगाएगा, ये प्लस इसके ऊपर जो भी ई लगाएगा तो ऑब्वियसली इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, कितनी फोर्स बोलो, डी क्यू इंटू ई। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई का फॉर्मूला यूज किया मैंने, और चार्ज मैंने कितना एज्यूम किया था इसके ऊपर, डी क्यू, इसके सराउंडिंग चार्जेस, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इसका मतलब फोर्स लगाएंगे। ठीक, मैं ये फोर्स निकाल लूंगा आज इस लेक्चर में। फोर्स निकालने के बाद मैं इसके सरफेस एरिया से इसे डिवाइड कर दूंगा। फोर्स बाय सरफेस एरिया आपको क्या देगा, प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पोर्शन। तो टॉपिक समझ में आ रहा है कैसे चलेगा। तो मेरे को इस पोर्शन पे अब क्या निकालना है, ई निकालना है, बचे हुए पोर्शन ने इस पोर्शन के ऊपर कितना ई लगाया। जो अभी एक्सप्रेशन हमने निकाला वो एक्सप्रेशन ये था कि अगर ये कोई सरफेस है कंडक्टर की, उसके यहां पर मैंने ई की वैल्यू निकाली कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और कैसे निकाली, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। अब गॉस ये कहता है कि जब मैं ई डॉट डीएस करता हूं तो उसमें ई सिर्फ इस सरफेस का नहीं लेता। मैंने आपको नोट लिखवाया था पिछली असाइनमेंट में कि जब गॉस थ्योरम ई डॉट डीएस करता है उसमें ई हमेशा नेट लेता है ड्यू टू ऑल चार्जेस, और तभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके यहां पे लिख दिया था दिस इज द नेट अमाउंट ऑफ ई जो यहां पर लगेगा ड्यू टू ऑल चार्जेस। ये सिर्फ इसकी वजह से ई नहीं आया, चाहे हमने गॉसियन सरफेस यहां पे लगाई थी सिलेंडर पर, लेकिन जो ई आया वो ड्यू टू ऑल चार्जेस आया, ये नेट ई आया। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो अब ये बताओ कि अगर मैं कोई पॉइंट यहां लेता हूं इस सरफेस के बिल्कुल नीचे, जहां मैं आपसे पूछता हूं ई की वैल्यू क्या होगी, तो आप आंसर क्या देंगे, जीरो। यहां तो एग्जिस्ट नहीं करेगा कंडक्टर के अंदर, तो ई जीरो होगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, ये रूल माना जाता है कि इस पोर्शन ने यहां पर ई की वैल्यू कुछ लगाई होगी, जो भी लगाई होगी, बचे हुए पोर्शन ने एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ ई लगाई होगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तभी तो ये वैल्यूज आपस में क्या हो गई, कैंसल, इसलिए नेट ई अंदर क्या रहेगा, जीरो। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं, यही बोल रहे हो ना। हाँ मैं भी ये बोल रहा हूं, क्योंकि लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं। ठीक, आप कह रहे हो कि शेल के अंदर ई एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि अंदर चार्ज नहीं होता, वो एक एक्सप्लेनेशन थी। अगर मैं यहां पर सीधा बोल दूं कि ई जीरो है तो आप ठीक है, आप कहोगे ओके ई जीरो है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं आपको वेक्टर फॉर्म में समझा रहा हूं कि मान लो मेरे को गॉस नहीं आती और मेरे आमने सामने पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, और कोई स्टूडेंट अगर ये बोले कि सर ये पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ही फील्ड लगा रहा है, तो फिर बताओ इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर जैसे एक रिंग है, रिंग के केस हमने किए थे, रिंग का चार्ज है, तो रिंग का अगर ये वाला पोर्शन काट दें, याद है कट करें, तो आपको याद है ये वाला पोर्शन और बाकी बचा हुआ पोर्शन आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल, तभी नेट ई अंदर क्या आता है, जीरो। तो मैं इस चीज को वेक्टर फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर इस कंडक्टर के दो हिस्से लें और अपने मन में ये ज्यूम करें कि दो वेक्टर आपस में जरूर कैंसिल होते होंगे इसके इनसाइड, इसीलिए ई की वैल्यू इनसाइड क्या आती है, जीरो। लेकिन एक्सप्लेनेशन
हम कर चुके हैं कि हमने कहा था कि लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं, तो वैसे भी ई आने वाला था नहीं। ठीक, मैं आपको सेकंड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, जो आपकी बुक्स में जो आपके टॉपिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो ऐसी लिखी मिलेगी। कहीं आप सोचोगे सर वो कैसे, वो वेक्टर कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ दिखेगा। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैंने आपको वैसे ही बताया कि इस पॉइंट में ऐसे वेक्टर से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन असली चीज मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं कि इस पोर्शन ने यहां पे ई लगाया होगा, सिर्फ इस पोर्शन ने कहा, नेट ई नहीं कहा। ठीक, तो ये देखो, इस पोर्शन ने प्लस वन रखा मैंने, इसके ऊपर ई लगाया होगा, बचे हुए पोर्शन ने भी ई लगाया होगा, और दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में लगाया होगा, तो टोटल ई इस पोर्शन का प्लस बचे हुए पोर्शन का, और टोटल ई की वैल्यू इनमें सेम होगी। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि अंदर मुझे पता है ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसल, और नेट आंसर क्या दे रहे हैं, जीरो। तो क्योंकि इस पोर्शन और बचे हुए पोर्शन के ई आपस में कैंसल होता होगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि E1 E2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली सेम है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर टोटल ई की वैल्यू E1 प्लस E2 आएगी, लेकिन मुझे पता है कि जो टोटल ई है वो किसके इक्वल है, ई नेट के इक्वल है। तो आप चेक कर सकते हो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि दो हिस्से ई लगा रहे हैं उस टॉप मोस्ट पॉइंट पे, एक ये वाला पोर्शन, एक बचा हुआ पोर्शन, तो लेकिन दोनों का आंसर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, जिसकी वैल्यू क्या आई थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और मुझे पता ये दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है, तो एक वैल्यू E1 E2 की क्या आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये थ्योरी बनाई गई मैथमेटिकल कि एक सिंगल हिस्सा, सिर्फ ये वाला हिस्सा कितनी वैल्यू लगा रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बचा हुआ भी एग्जैक्टली कितना लगा रहा होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ताकि नेट आंसर क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये थ्योरी कि दोनों की दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, वो ये भी प्रूव करनी है कि इनसाइड किसी भी पॉइंट पे दो वैल्यूज आपस में क्या कर रही है, कैंसल। तो मेरे को सिर्फ एक चीज से मतलब थी, या मैं सिर्फ एक चीज में इंटरेस्टेड हूं कि ये वाला पोर्शन, इसको छोड़ के ये वाला पोर्शन ई कितना लगा रहा है, टोटल पोर्शन तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लगा रहा है, ये वाला पोर्शन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लगा रहा है, ये वाला पोर्शन सिर्फ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लगा रहा है, और बचा हुआ पोर्शन भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लगा रहा है। ये स्टेप समझ में आया यहां तक? तो हमने ई को दो हिस्सों में बांट लिया, एक ये वाला पोर्शन और एक बचा हुआ पोर्शन, दोनों मिलकर एग्जैक्टली सेम ई लगा रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा देखो, सपोज करो कि आपने एक एलिमेंट लिया, ये चाहो तो फिगर ड्रॉ कर लेना प्लीज, यहां पे ए बी एक यहां पे ड्रॉ करना, ए बी जिसके ऊपर स्मॉल चार्ज कितना है, डी क्यू देख लेना एक बार। ये बचा हुआ पोर्शन देख रहे हो, ये बचा हुआ, ये यहां पर इसकी सरफेस पे क्या लगाएगा, ई लगाएगा, बचा हुआ पोर्शन इसकी सरफेस पे ई लगाएगा, तो ये पोर्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाहर की तरफ, किसकी वजह से, बचे हुए पोर्शन की वजह से, तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर ई लगाएगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस कितनी होगी इसके ऊपर, डी क्यू इंटू ई टू। और मैं प्रेशर में इंटरेस्टेड था, और प्रेशर मान लो हम सब एक स्फीयर का पार्ट है, और मैं अपने ऊपर प्रेशर फील करना चाहता हूं आप लोगों ने कितना लगाया, तो मैं आप लोगों की ई की वैल्यू अपने ऊपर निकाल लूंगा और अपने चार से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो इससे पहले का एक्सप्रेशन क्या चल रहा था, आप लोगों की ई की वैल्यू कैलकुलेट हो रही थी, हाँ, तो वो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, वो टॉपिक इसलिए चल रहा था। तो अब इसमें फोर्स एक्सपीरियंस बाहर की तरफ क्या होगी, डीएफ इज इक्वल टू डी क्यू इंटू कितना, ई टू। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्मॉल पोर्शन ऑफ चार्ज डी क्यू, तो वो लिखा हुआ है, इसके साथ ये डायग्राम बना लेना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
फोर्स ऑन एलिमेंट ए बी विल बी इक्वल टू डी क्यू इंटू ई टू, लेकिन डी क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू डीएस, सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया कितना है उसका डीएस, तो सिग्मा इंटू डीएस, और ई टू की वैल्यू अभी क्या निकाली हमने, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू पुट कर दी यहां पर, प्रेशर क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया, डीएस को चाहे तो यहां ले जाओ या ऐसे कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू डीएफ बाय डीएस, फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स की वैल्यू पूरी की पूरी यहां पुट कर दो, डीएस से डीएस कैंसल, फॉर्मूला याद करो कि एक एलिमेंट कितना प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा, सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये प्रेशर का फॉर्मूला काम आएगा, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आएगा, इसके ऊपर जो भी कॉम्पिटेटिव लेवल पे एग्जामिनेशन होगा इसके ऊपर आएगा। इधर ये तो कुछ नहीं है, सिग्मा बता रहा था मैं किसी को, कुछ नहीं है, ये हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बता रहा था वो, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, पॉइंट टू रिमेंबर लिख लेना प्लीज फॉर्मूला में इसमें। अब मुझे पता है कि नेट ई क्या होता है, देखो ई के पैर पे लिख लेना नेट ई है, अब ये ई वन ई टू नहीं है, दो पोर्शंस का नहीं है, अब ये नेट ई है, पूरे कंडक्टर का नेट ई क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्या होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, इसको उठा के सिग्मा की जगह पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, प्रेशर का दूसरा फॉर्मूला आएगा, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला एज अ प्रेशर आप यूज कर सकते हैं, ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला इसके इक्वल आएगा, ठीक है यहां तक, ये याद करना है आपने, ये दो फॉर्मूलास प्रूफ में एनसीईआरटी में क्या आएगा, मैंने वो स्टार्टिंग के पेज में बता दिया था, नेट ई निकालने को आता है वो तो क्लियर है, और कंपटीशन लेवल में ये आता है प्रेशर का फॉर्मूला, क्वेश्चन क्या आया हुआ है ये देख लो, दो हेमिस्फीयर्स हैं, दोनों के ऊपर लिख दो सिग्मा सिग्मा, सिग्मा एंड सिग्मा, अंदर लिख दो सिग्मा एंड सिग्मा, स्फीयर नहीं है, दो हेमिस्फीयर्स हैं, दोनों चार्ज्ड है, सिग्मा एंड सिग्मा सिमिलरली चार्ज्ड है, सिमिलरली चार्ज हेमिस्फीयर एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, पर आपने उन्हें जबरदस्ती फोर्स लगा के दबा के रखा हुआ है ताकि ये सेपरेट ना हो जाए, तो कम से कम कितनी फोर्स लगानी पड़ी ताकि ये सेपरेट ना हो जाए, ये मेरा क्वेश्चन है, क्यों सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक, रिपेल कर रहे हैं इसका मतलब एक दूसरे पे फील्ड लगा रहे हैं, फील्ड लगा रहे हैं इसका मतलब फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इसका मतलब प्रेशर लगा रहे हैं, तो जो भी प्रेशर लगा रहे हैं उसको एरिया से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास अमाउंट ऑफ फोर्स आ जाएगी, तो अगर मैं ये कैलकुलेट कर दूं कि दोनों एक दूसरे को कितनी फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, अगर कोई कहे मैं तो कूलम लॉ लगाऊंगा, लग नहीं सकता ना, वो तो पॉइंट चार्ज पे लगेगा, ये तो हेमिस्फीयर्स हैं, हेमिस्फीयर पे कूलम लॉ कैसे लग गए, क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स प्रेशर निकालना पड़ेगा कि दोनों एक पार्ट दूसरे पार्ट पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं, तो हमें एफ फोर्स निकालना है, तो एक तरफ का हेमिस्फीयर का पार्ट लेते हैं, तो एफ फोर्स इज इक्वल टू जो भी प्रेशर यहां लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो ये मैं जो फोर्स लगा रहा हूं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहा हूं, ये वाला हेमिस्फीयर यहां प्रेशर लगाएगा और ताकि इसको सेपरेट कर सके, पर मैं इसको जबरदस्ती पकड़ के रखे हुए हूं तो मेरा भी प्रेशर एग्जैक्टली सेम अमाउंट का होगा, तो प्रेशर इनटू एरिया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रहा प्रेशर, प्रेशर के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रेशर चैप्टर को एक बार अगर पढ़े तो आपको अगर याद हो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसे प्रेशर पढ़ते थे, और हम कर्व्ड सरफेस एरिया पे जब प्रेशर निकालते थे लिक्विड का, तो उसमें जो एरिया लेते थे वो कर्व्ड सरफेस एरिया कभी भी नहीं लेते थे, वो हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया लेते थे, जैसे अगर आपको याद हो मैंने शीट में लिख के दिया एक क्वेश्चन कि सपोज करो एक सिलेंडर है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंडर का, एक सिलेंडर के मैंने चार हिस्से कर दिए और आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखा रहा हूं, फिर मैंने क्वेश्चन दिया था यहां पर लिक्विड है, ये लिक्विड यहां पर कितना प्रेशर लगा रहा है या फोर्स लगा रहा है, तो आपने यहां प्रेशर लिया था एच रो जी बाय टू और एरिया क्या लेते थे, ये प्रोजेक्टेड एरिया, ये रूल है प्रेशर का कि जब प्रेशर निकलता है आप साइड का जब प्रेशर निकालते हो वॉल्स का, अगर वो सीधी है तो स्ट्रेट है तो स्ट्रेट एरिया, अगर वो बिल्कुल टेढ़ी है या टेढ़ी मेढ़ी है तो भी आपने प्लेन एरिया लेना होता है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर निकालने होते हैं, तो इस केस में फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, तो प्रेशर में जो एरिया लेंगे वो पाई आर स्क्वायर लेंगे, इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा हेमिस्फीयर का पाई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन आपको मार्क करके आना है, ये क्वेश्चन कई बार आपको किसी भी बहुत सारी बुक्स में दिखेगा और जो बिना प्रेशर के सॉल्व होने वाला है नहीं, पॉइंट क्लियर है यहां तक,
कि इस टाइप की प्रॉब्लम, एक्चुअली ये थ्योरी लिखी इसलिए गई है क्योंकि वो ये प्रॉब्लम लोगों से सॉल्व नहीं होती बिना प्रेशर के, और प्रेशर का सीधा फॉर्मूला याद नहीं होता। अब एटलीस्ट आपको पूरी हिस्ट्री पता है कि प्रेशर कैसे निकला, इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे आएगी। है टिपिकल, बहुत ज़्यादा नहीं आती, बट एक बार आई हुई है तो मुझे पता नहीं, अगर आ गई तो फिर आ गई। ठीक, कम से कम आइडिया तो होना कि कैसे कर। इसके बाद आज एक शीट मिली है, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज शीट नंबर 20 का प्रिंट आउट लें। शीट नंबर 20, मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन दिए थे आज, और उनमें से एक दो क्वेश्चन को देखते हैं। कितने लोगों ने ट्राई कर लिए वैसे, हो गए थे सारे? अच्छा चलो देख लेते हैं। लॉग वाला करना है? लॉग वाला हो गया? चलो एटलीस्ट आपको एक आइडिया तो हो गया कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पैर मत मारियो यार, बाकी सब ठीक है। ध्यान से देखो तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको आइडिया हो गया। और आप अगर अभी तो मैंने कितने 3 चैप्टर हुए हैं अभी हमारे, 2 और पढ़े हैं। आप मानोगे अभी कितने मैंने, कितने आज 4 क्वेश्चन दिए, 4-5 थे जितने भी थे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं दे नहीं पाया बिकॉज वो कैपेसिटर्स, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर थे और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर थे। कम से कम नहीं तो 7-8 क्वेश्चन मैं नहीं दे पाया। आप ये अंदाजा लगा लो, भरा पड़ा इलेक्ट्रोस्टैट्स, इतना इलेक्ट्रोस्टैट्स आया हुआ है कि अगर कोई मतलब अगर 30 में से 3 क्वेश्चन, सिर्फ पूरे एक साल इलेक्ट्रोस्टैट्स भी कर लेगा तो 3 क्वेश्चन तो कम से कम वो कर ही आएगा। और 3 क्वेश्चन करने वाले का परसेंटाइल सुन लो कितना है, 20+% है उसका। अब मेरे को सारी रेशियो पता है हर स्टूडेंट की, 20% से ऊपर है एक स्टूडेंट का, वो मतलब मेरे को सारे पता है जिन्होंने कितने अटेम्प्ट किए। मैं पूछता हूँ ना कितने अटेम्प्ट किए, कितने नंबर है, कितना परसेंटाइल है, तो मतलब इतनी ना पढ़ने वालों की जनता है इस पूरे उसमें, उसका फायदा उठाओ। लोगों के 20-30% तो 4-4 क्वेश्चन करके आते हैं, यानी कि लोग कितने माइनस में जाते होंगे मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब करके आते होंगे 10-10, 15-15, देखी जाएगी, मरने से तो अच्छा ही है, वैसे भी तो डूब ही रहे हैं और चलो चलने दो। आधी ज्यादा जनता यही करती है कि वैसे तो आता ही नहीं, चल चलने दे, और फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ध्यान से पढ़ो, जो आता है वो करो। मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 3 लेवल के आपके आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक तो 1 लेवल बिल्कुल बेसिक लेवल है, फर्स्ट लेवल, जैसे आज वो डायपोल मोमेंट निकालो नेट, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये देखो एनसीईआरटी की पहला जो शीट के अंदर, किसी भी एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन कि अगर मान लो ये चार्जेस हैं और इतने इतने डिस्टेंस पे, ये मेरे टेस्ट का ही तो क्वेश्चन था, तो ये डिस्टेंस के अंदर है, आपको स्मॉल क्यू निकालना है जब नेट फोर्स 0 है। तो याद है वो वेक्टर बनाया करते थे, वेक्टर वाला जो हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, नेट फोर्स 0 करके आप चार्ज की वैल्यू कैन बी कैल, ये सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद ये तो डिस्कस नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेडिकल वालों के लिए नहीं है, तो मेडिकल वाले प्लीज 2 मिनट आराम करें। ठीक, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, चार्ज कैपिटल आर रेडियस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, सॉलिड स्फीयर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जिसकी डेंसिटी रो इसके इक्वल है, स्मॉल आर के साथ रो चेंज हो रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन किए थे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जिसमें रो की वैल्यू चेंज होती है, ऐसा किया हमने। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, वो कह रहा है कि अगर मान लो इस पूरे पोर्शन में चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू है, आप मुझे कैपिटल आर की वैल्यू बताओ इस पूरे स्फीयर की क्या होगी। देखो उसने गॉस थ्योरम नहीं लगवाई, उसको हटा दिया, सिर्फ चार्ज चार्ज पूछ लिया। सॉलिड स्फीयर किसका बना हुआ है, बहुत सारे शेल्स का, और आपको याद है शेल का वॉल्यूम क्या था, डीवी, डीवी, तो रो को डीवी से मल्टीप्लाई करते थे, शेल का चार्ज आता था, लास्ट टाइम किया था हमने, मैंने आपको शॉर्टकट करवा दिया था, रो इंटू डीवी, और शेल का मैंने वॉल्यूम निकालना कैसे सिखाया था, एरिया इंटू थिकनेस। एक शेल लेंगे, उसका एरिया 4πr² थिकनेस कितनी है, dr, और डेंसिटी की वैल्यू जो भी है उसको एज इट इज पुट कर देंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। हमने गॉस थ्योरम में लास्ट लेक्चर में किया, मैंने आपको बता दिया था, एडवांस वाले भी यही कर रहे हैं, मेंस वाले भी यही कर रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ रो की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं, बस रो चेंज करते जा रहे हैं, आंसर चेंज होता जा रहे हैं। ठीक, तो इसने थोड़ा रो और कॉम्प्लेक्स कर दिया नॉर्मल से भी। रो की वैल्यू आपने यहां पर पुट की, आर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कांस्टेंट आ गया। इंटीग्रेशन आप नॉन मेडिकल वाले मैथ्स में करेंगे
तो इसलिए इन स्टेप्स की ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन आप लोगों को भी बहुत अच्छे से आने वाली है। लेकिन अभी के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स, इसका आंसर इज इट सेल्फ ई रेस टू पावर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन ये खुद ही है, डिवाइडेड बाई डी बाई डी आर ऑफ जो पावर है उसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ये इसका रूल है। ठीक, तो ये रूल है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल जो होती है वो इट सेल्फ यही होती है, और जो पावर है उसको नीचे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। डी आर बाई डी आर क्या हो जाएगा, वन, और कॉन्स्टेंट क्या बाहर आएगा, माइनस टू बाई ए, माइनस टू बाई ए डिनोमिनेटर में उल्टा करो तो माइनस ए बाई टू, तो यहां पर माइनस ए बाई टू आ गया ये टर्म एज इट इज, और इसकी पावर लिमिट्स कहां से कहां चल रही है, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। ये स्टेप समझ में आ रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, नहीं कोई बात, मैथ्स सिखाएंगे तो इंटीग्रेशन जिनको नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैथ्स वाला पोर्शन इंटीग्रेट इसमें हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। फिलहाल के लिए जिनको आती है वो आगे देखें, लिमिट्स पुट करनी है इसके बाद, प्लीज साइलेंस, लिमिट्स पुट की हैं, एक बार छोटे आर की जगह बड़ा आर, एक बार छोटा आर की जगह जीरो, बड़ा आर पुट किया तो ये, छोटा जीरो पुट किया तो ये, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, ये टर्म आ गई। तो इसमें इस टर्म को नीचे ले गए तो ये टर्म आ गई, इस टर्म को इस तरफ, इस टर्म को इस तरफ लेके आए, रीअरेंज किया तो ये टर्म आ गई। इसमें एक्सपोनेंशियल को हटाना है और आर की वैल्यू निकालना है, तो मैथ्स वाले लोगों को पता है कि हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स टू द बेस ई, ये ई है तो ये ई है, तो ये नंबर नीचे आ गया और ये टर्म लॉग में चल पड़ी। इसके अंदर कैपिटल आर निकालना है, माइनस साइन राइट पे चला गया, और आर 2r by a माइनस साइन को जब यहां लेके जाएंगे रेज टू पावर माइनस वन हो जाएगा, मैथ्स वालों को पता है माइनस वन, और माइनस वन का मतलब रेसिप्रोकल हो गया, और यहां से कैपिटल r की वैल्यू कैन बी, बिल्कुल मेडिकल में नहीं आएगा प्लीज, क्या बोलते हो नॉन मेडिकल वाले, ठीक है ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी, देखो हमने लास्ट लेक्चर किया, हमें एटलीस्ट ये तो पता है ना कि चार्ज निकलता कैसे है, और ये जो स्टेप्स देख रहे हो ना, ये अभी आपको जैसे भी लग रहे हैं, मैथ्स में जब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे 2 महीने, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आने हैं, ये कुछ भी नहीं है। तो आप लोग इन स्टेप्स की वजह से एटलीस्ट इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का समझ में आया, स्टार्टिंग में क्या करना है बस वही करना है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेंस की कैटेगरी का ये थर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट लेवल का तो नहीं कह सकते, क्योंकि 3 लेवल बनने हैं मैंने बताया आपको, तो ये थोड़ा हायर एंड का क्वेश्चन बन गया, इसमें टाइम कंजम्पशन ज्यादा है। कितने लोगों से ये क्वेश्चन हो गया था, डायपोल वाला हो गया था, पहचान लिया शॉर्ट डायपोल है, पढ़ लो प्लीज एक बार, रजिस्टर्स कंप्लीट है आपके सबके, फ्लक्स तक डन, बहुत बढ़िया, फिर टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ बस, फ्लक्स के अब टेस्ट होने वाले हैं, संडे को कोई टेस्ट नहीं है, कल कोई टेस्ट नहीं है, बट इस हफ्ते कमिंग वीक में फ्लक्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाले हैं, मैं जरा वो टेस्ट कल तक चेक कर दूंगा आपके सारे, आज नहीं हो पाएंगे, और उसके बाद फिर वो मंडे तक क्लियर करके फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एंड एट ए एंड बी, आप चेक कर सकते हो, ये क्वेश्चन सबके लिए है, ए एंड बी दो चार्जेस हैं, डिस्टेंस ए बी के बीच में 2a है, साफ पता लग रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल है। आगे चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट पी, पी के ऊपर बड़ा क्यू चार्ज को रखा, और ये ओपी की वैल्यू कितनी है वाई, तो यानी कि हमने वाई डिस्टेंस पे चार्ज को रखा, और y 2a से बहुत बड़ा है, इससे पता लगता है ये शॉर्ट डायपोल का केस है, वेयर स्मॉल r इज ग्रेटर देन am किया करते थे, शॉर्ट डायपोल है। फिर वो कह रहा है कि हमने चार्ज कैपिटल q को इक्वेटोरियल लाइन पे p डैश पे रख दिया, तो जब ये कैपिटल q p पे था तो ये दो चार्जेस इसके ऊपर फोर्स f लगा रहे थे, जब ये p डैश पे रख दिया तो बोलो कितनी फोर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले जब ये p पे था एट अ हाइट ऑफ y, तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या लगेगा, पी बाई वाई क्यूब, ये फॉर्मूला लगेगा, इक्वेटोरियल का यही फॉर्मूला होता है ना, डायपोल मोमेंट पी बाई वाई क्यूब, और हमने कितना चार्ज रखा क्यू, तो फोर्स एक्सपीरियंस कितनी होगी, क्यू इंटू ई, फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने क्या किया, पी डैश पे गए, पी डैश की हाइट क्वेश्चन में गिवन है वाई बाई थ्री,
हमने वाई बाई थ्री पे रखा इक्वेटोरियल के ऊपर, तो ये ई लगेगा, और कितना चार्ज रखा क्यू चार्ज रखा, तो ये फोर्स लगेगी। इसको इसको डिवाइड कर दें एफ डैश की वैल्यू 27 इंटू एफ आई की। मेरे ख्याल से ये तो ठीक है, चल ठीक।